अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सी चिकन करेला की डिश। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हाफ के जी मैंने करेले लिए हैं, इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको काटूंगी, इनके किनारे काट के और इनको मैं छील लूँगी। एक करेला जो है वो मैं आपके सामने काटूँगी कि मैं करेले किस तरह काटूँगी। ये जो करेले की स्किन होती है ना, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको मसाले में ऐड करती हूँ, तो इससे मसाला जो है वो बहुत अच्छा बनता है करेले। इसी तरह मैं सारे करेले जो है वो छील कर काट लूँगी और इसको मैंने नमक लगाकर तकरीबन 1 घंटा तक रखूँगी ताकि करेले की जो कड़वाहट होती है ना वो इसमें से निकल जाए। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। और इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, 1/2 kg मैंने चिकन ली है जिसको मैंने छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। कलर चेंज होने तक चिकन को हम फ्राई करेंगे। दूसरे पैन में भी हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। दूसरे पैन में भी ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम करेले डालेंगे। करेले को मैंने तकरीबन 1 घंटा तक नमक लगा के रखा था और उसके बाद मैंने इन्हें वॉश कर दिया था। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बोनलेस मैंने चिकन लिया था और इसमें सिर्फ एक मैंने बोन डाली थी ताकि उसका टेस्ट आ जाए। 1 teaspoon हमने नमक लिया है, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon इसमें है लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मैंने कम डाला है क्योंकि मैंने करेलों को भी नमक लगा के रखा। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे दही, 5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। वन टेबल स्पून भर के इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देंगे, और 1 teaspoon इसमें जाएगी हल्दी। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। दही का पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करें। दही का पानी ड्राई हो गया है, हमने क्योंकि इसमें पानी ऐड नहीं करना तो मैं इसमें इसलिए टमाटर बाद में डाल रही हूँ कि इसी टमाटर के पानी से ही ये सारा पकेगा। 2 बड़े टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया और ये पेस्ट मेरे पास फ्रीज हुआ हुआ है, तो इसमें हम 2 बड़े टमाटर का पेस्ट ऐड कर और इसी पानी में ये टमाटर के पानी और दही के पानी से ही हमने इसे बनाना है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, कवर करके बनाएंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना। जब तक हमारा चिकन कुक होता है तब तक हम अपने करेले फ्राई करें। अभी इनको 3 से 4 मिनट लगेंगे तो ये फ्राई हो जाए। करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको आपने भी मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है और साथ इसके हम डाल देंगे
हरी मिर्च, 5 मैंने हरी मिर्च ली हैं। और आपने इस करेलों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। आपने बिल्कुल इसको ग्रीन ग्रीन रखना है। और इसके साथ मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज क्योंकि बच्चे हमारे शौक से खाते हैं, तो मैं इसमें मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया। ये भी करेलों के साथ ही फ्राई हो जाए। ये गर्मी में बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी लगती है, और दोपहर में करेले रोटी के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। मैं तो अक्सर दोपहर में ही बनाती हूँ करेले। प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हमने इन्हें सॉफ्ट करना। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कलवंजी। इसमें हमने ऐड की है 2 पिंच कलवंजी। ये सुन्नत भी है और इसे खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब ये प्याज और करेले जो हैं हमारे डन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम मैं ऑफ़ करती हुई इसको तकरीबन मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो आपने भी इसी तरह करना है। मैं प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती इनको बस, और करेलों को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, क्योंकि वो सख्त हो जाते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ी को नरम ही रखना चाहिए। तो ये डन हो चुके हैं, अब मैं फ्लेम कर दूँगी ऑफ। साथ ही हम अपना चिकन भी देख लेते हैं। ये भी डन हो चुका है तकरीबन। टमाटर का पेस्ट जो था वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। तो बहुत अच्छा सा हमारा मसाला बन गया। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए करेले और प्याज ऐड कर दूँगी। करेले और प्याज जो मैंने फ्राई किए थे वो मैंने चिकन में ऐड कर दिए हैं। चिकन भी हमारा पक चुका है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, और इसके बाद फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। ये बहुत मज़ेदार डिश है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। करेले गर्मियों में होते हैं, और आपने जब भी सब्ज़ी लेने जाना है तो बहुत फ्रेश फ्रेश और छोटी सब्ज़ी लिया करें, उसका जायका बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी सब्ज़ी जो होती है ना, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। करेले और भिंडी में ऑयल ज़्यादा डलता है, तभी वो अच्छी डिश बनती है। कम ऑयल में मज़ेदार डिश नहीं बनती। तो आप भी ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, और अगर पकने के बाद आपको लगे कि आपके खाने में ज़्यादा है तो आप उसको उतार के रख सकते हैं। तो चलें हम इसे अब कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसे डिश आउट करें। फ्लेम हम करते हैं ऑफ़, और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मैं तो इसके साथ अब बनाऊंगी रोटी और मज़े से खाऊंगी। और दोपहर में जब मैं इसके साथ लस्सी ज़रूर बनाती हूँ, कच्ची लस्सी, अगर आपको पता है तो आप बना लें। कच्चे दूध की लस्सी होती है वो, हम 1/2 गिलास जो होता है वो दूध लेते हैं, बाकी उसमें हम पानी ऐड करके उसमें हल्का सा नमक डाल के वो करेलों के साथ हम खाते हैं, पीते हैं। तो चलें हम अब इसे डिश आउट करते हैं। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, और बहुत मज़े की डिश बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, और आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक भी दे दिया करें जब आप इसे मेरी रेसिपी को देखते हैं, इसको फॉलो किया करें, और मुझे बताया करें कि आपने ये रेसिपी बनाई तो कैसी बनी। चिकन करेले हमारे रेडी हो गए हैं, इसको हमने डिश आउट कर दिया है। इस पर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।